तो चलो फाइनली ये हो गई अम्मी की टिकट। मैं बोल रही थी कि इंसान सोचता क्या है और होता है। और आज सुबह सुबह ना बहुत ज्यादा दिल कर रहा था कुछ ऐसा खाने का जैसे कुछ स्पाइसी हो। और मैंने आज कोफ्ते सेम वैसे बनाया जैसे मसाला मैं मोमोज के लिए बनाती हूँ, और हरी मिर्ची में डिप कर करके खाया सुबह नाश्ता। नाश्ता हो गया, किचन की सफाई अभी बाकी है। ये देखो चूल्हे का ये हाल हुआ है, यहाँ पर पकने वाले। जल्दी दे दो, आप बाद में पी लेना। देखो सबसे पहले इनकी नजर ना सिर्फ चाय पर ही। चलो आ जाओ जल्दी। और ये क्या लगाया हुआ है ये मट्टी ऊपर मुर्गे को पास किया। आयत कल म्यूजियम में क्या अच्छा था? क्या अच्छा था म्यूजियम में? हम गए थे ना वहाँ पे, मैंने से पूछा है वापस आके कि क्या अच्छा लगा है, कहती है राजा। राजा राजा देख कर रही है जो कल वो मुगल जो पीरियड था वो देखा, कहती है कि राजा अच्छा लग गया। आज चले राजा देखने चले, दोबारा राजा देखने चले। अम्मा इसके टीथ देखना, दिखाओ। माशाल्लाह तो बहुत प्यारे है। चलो यहाँ पर हमारी चाय भी पक गई, ले ले। चलो अब आगे चलते हैं, एंड में जाकर बैठते हैं। ये रही आपकी चाय। लो हमेशा आपको गीला होता है ना बड़ा कप, बड़े मग का गीला होता है, फिर बोलोगे मैं नहीं लेता। ये लो। और इसका तो सुबह सुबह उठते ही बस ये कार्टून शुरू हो गया है, पूरा दिन सबका टर्न आएगा। इसका सबसे ज्यादा आता है, मुस्तफा का, तैयबा का, आयत का, इसका सबसे ज्यादा आता है। आज सुबह सवेरे उठते ही मैंने ये काम शुरू कर दिया, मुस्तफा की पूरी अलमारी खाली कर दिया। ये देखो सारे कपड़े बाहर आए हुए हैं। ये क्या एक्सरसाइज कर रही हो? चलो हम आए। वो पांव ऊपर रखे, हाथों में वो जूते पहने हुए हैं। नबीता भी आ गया आपको कपड़े फोल्ड कराने के लिए। आयत की तरह ये भी शरारती होता है। आयत ने मामा की बहुत हेल्प कराई, काफी सारे कपड़े ना उठा उठा के डालती है। कपड़े जो मैं काफी टाइम से आपको बोल रही थी ना कि मुस्तफा के देने के हैं, तो मुस्तफा के तकरीबन इतने कपड़े होंगे जो रखने के हैं। और ये पूरा बैग भरा हुआ जो आप देख रहे हो, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुस्तफा के कपड़े छोटे हो चुके हैं, देने हैं मैंने, तो ये पूरा बैग जो है ना देने के लिए भर रहे हैं। ये सारी न्यू पैंट है इसकी, एक 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 दो दो बार पहनी होंगी बस, ज्यादा से ज्यादा। तैयबा मेरे लिए पानी लेके आ गई, थैंक यू। और तैयबा जब जब ये वाली जीन्स वाली जैकेट ऊपर पहनते हैं ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। कौन आएगा? ठीक है चलते हैं अभी मम्मा आपको कपड़े भर दूंगा। अभी मैं तैयारी कर रही हूँ, फिर चलते हैं एयरपोर्ट चलते हैं। आपको कपड़े फाड़ दूंगा। नहीं फाड़ो मेरे कपड़े, हम चलते हैं एयरपोर्ट। नोबिता के काम देखो, नोबिता देखो कैसे कर रहे शरारत। कहाँ का एयरपोर्ट दिखा रहे हो इसको? लंदन का एयरपोर्ट देख रही है ये। आयत को लंदन का एयरपोर्ट दिखाया जा रहा है, अब ये चुप करके सोई हुई है, देख रही है। बड़ा एरोप्लेन है, बहुत अच्छा है ना। मम्मा, ऊपर जाना। इसको खाली एयरपोर्ट दिखा देते हैं, यहाँ इस्लामाबाद का ना, इसको एयरपोर्ट दिखा देते हैं, वहाँ तो कोई भी जा सकता है। ये फिर वहाँ शोर करेगी। हाँ शोर करेगी, मुझे बैठना है। अब फिर एरोप्लेन पे नहीं बैठोगी, सिर्फ एयरपोर्ट देखोगी। ओके फिर ले चलूंगी। अच्छा क्या एरोप्लेन पे बैठना है? इसको एरोप्लेन पे भी बैठना है, इसको फिर ना इस्लामाबाद से कराची ले चलेंगे। ये सही आइडिया है, बच्चा पार्टी वो कराची में ऐसा ही है, इसको इस्लामाबाद से ना कराची ले जाते हैं और बच्चा पार्टी दिखाते हैं, सही है। पूरा बैग भर के निकला है मुस्तफा आपकी अलमारी से, ये देना है आपके सारे कपड़े मैंने निकाल दिए। देखो नीचे वाली साइड पर इनके जूते हैं जो उसमें थैलों में पड़े हैं, वो कुछ न्यू जूते हैं इनके पापा के हैं, साथ में पॉलिश ब्रश। और ये वाला जूता जो है ये मुस्तफा के लिए, ये जुम्मे के लिए मैंने दो इसके शलवार कमीज ऊपर हैंग किए, ये भी न्यू हैं और थोड़ा बड़े साइज के हैं, मैंने इसमें न्यू ही हैंग किए हुए। ये देखो जो इसने एक दफा भी नहीं पहना, ये भी हो गया, और एक ये भी गर्म सूट हो गया इसका। ये देखो ये भी इसका न्यू जैकेट है, तो ये सारे मैंने अभी इसके ऊपर हैंग किए हुए, इनको लपेट के नहीं रखा ये, और बाकी इसके अलावा अभी मैंने ऐसे ही रखे हैं। इनको फिलहाल इस वजह से नहीं लपेटा कि ऑर्गेनाइजर में रखना है इनको, अभी इसको इस्तरी करके अभी ऊपर लगाना है मुस्तफा, ऐसे मैं नहीं लगा रही ना। जो शलवार कमीज बच गए ना उनको
इस्त्री करना फिर लगाऊंगी। पूरे मेरे कमेंट बॉक्स में मुस्तफा ही मुस्तफा आ रहा है, ब्रावो मुस्तफा, इंटेलिजेंट मुस्तफा। मुझे तो पता था मेरी इज्जत होने वाली है। अच्छा, इसीलिए कल तो बोला इसी बात माई एक्सबॉक्स लेके। कोई जरूरत नहीं एक्सबॉक्स की। और सबके कमेंट आ रहे हैं कि इससे लगता है कि मुस्तफा को ना हिस्ट्री में इंटरेस्ट है। हाँ, बहुत ज्यादा। सच में? हाँ जी। मैं खुद बना देती हूँ, खुद बना देती हूँ। मामा आपको मिल्क बना देती है। गाइस, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसलिए स्टार्ट हुई थी क्योंकि उस वक्त के टाइम पे जो थे हिंदूज और मुस्लिम्स, हम उन्हें इंडियंस कहते हैं क्योंकि वो इंडिया में थे, तो ब्रिटिश उनके ऊपर बहुत ज्यादा ऐसे कैसे जुल्म करते थे, जुल्म किया, उन्हें बहुत दूर दूर भेजते थे मिशंस के लिए, उनके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगते थे। तो एक तरफ ब्रिटिश ने अपना सारा का सारा खर्चा पानी भी इनसे लेना शुरू कर दिया था और वॉर्स पे भी नहीं भेजते थे, तो उन्होंने क्या किया था कि ग्रीस्ड गन्स जो के काउ फैट और पिग फैट से बनी थी वो मुसलमानों को और हिंदुओं को पसंद नहीं था, तो इसलिए उन्होंने लड़ने का सोचा, लेकिन वो हार गए उस ब्रिटिश से। क्योंकि फिर बाद में वर्ल्ड वॉर वन के अंदर उनकी पावर बहुत ज्यादा कम हो गई और फिर और भी कंट्रीज आ गए, जैसे उस वक्त फिर वर्ल्ड वॉर टू के अंदर जर्मनी आ गया था। ब्रिटिश बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी क्योंकि बहुत ज्यादा अलग मुल्क आ गए थे, रशिया अमेरिका, इस वजह से, वरना पहले ब्रिटिश ही था जो हर एक जगह पे कंट्रोल करता था। तो ऐसे इनकी पावर बहुत ज्यादा कम हो गई और आज बहुत ज्यादा कम है। आपको पता है वो इतने ज्यादा जो उनके सोल्जर वो दूध गिर रहे बच्चे। कहीं नहीं जा रहा मेरा बच्चा, मम्मा आपके पास आ रही है। आज हमारे घर पे आए हैं बच्चों की टीचर ने भेजा है बना के, थोड़ा सा टेस्ट किया, बहुत मजे का बना हुआ है। मैंने कोफ्ते का सालन इतना मजे का, इतना टेस्टी बना हुआ है ना, और ज्यादा खाया नहीं। खैर सुबह में नाश्ते में ना ज्यादा सालन खाते ही नहीं है, तो उनका तो खैर चाय पराठा और हम नहीं खाया था। आयत को देते। आयत, ये खाना है आपको पास्ता? चोरी चोरी निकलना पड़ता है, इतनी लालच देनी पड़ती है आयत को। बस चलो, ऐसे खूबसूरत खूबसूरत घर सजे होते हैं। है शादी है। वेलकम लिखा हुआ ऊपर, नहीं है किसी का वेलकम के लिए भी घर सजाया। एक दिन मैं भी ऐसे सजाऊंगी जब मेरा मुन्ना ऐसे बाहर से कहीं पढ़ के आएगा, मैं भी ऐसे सजाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है, खैर खैर ऐसे है। तो अब जा रहे हैं हम अम्मी की टिकट कराने, और वैसे प्लान हमारा ये था कि हम सब एक साथ ही जाएंगे, जैसे बच्चों की स्कूल की छुट्टियां होंगी तो ट्रेन का सफर होगा, ये सब कुछ पूरा एक प्लान बना हुआ था, सारी तैयारी, कपड़े वपड़े सब कुछ बना रहे थे इस हिसाब से कि मैं अम्मी सब एक साथ जाएंगे गांव। लेकिन अम्मी को पहले जाना पड़ रहा है, चाचू की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है जब से चाचू यहाँ से गए हैं, तो इस वजह से अम्मी पहले जा रही हैं और फिर हम तकरीबन 15-20 दिन बाद ही शायद जाएंगे, अम्मी पहले जाएंगी। संडे है ना, तो हर कोई घूमने गया होगा। लाइन लगी हुई है लेकिन इतने नहीं है, 2-4 लोग हैं। अम्मी के दिन की टिकट ही करानी है, अब रात की नहीं, दिन की सुबह मॉर्निंग की हो, जैसे शाम को पहुंचे तो आगे भाई ले लें। इसलिए कहते हैं कि ना इंसान सोचता क्या और होता क्या, देखो सोचा क्या था, प्लान क्या था और हुआ क्या है। दिन के 12 बजे और एक ना सुबह की फर्स्ट टाइम है, सुबह 6 बजे की। हाँ सुबह 6 बजे, दिन का सफर है। चलो देखो क्या होता है, आज शुक्र है कि रश नहीं है ना। किस टाइम की? सुबह की। चलो फाइनली ये हो गई अम्मी की टिकट। मैं बोल रही थी कि इंसान सोचता क्या है और होता क्या है, पूरा प्लान था मेरा अम्मी का सबका एक साथ जाने का और वो भी ट्रेन का सफर करने का। आज मेरे हस्बैंड मुझे अपनी सैलरी में से दिलाने वाले हैं मेरा मेकअप। चलो यहाँ पर आए हैं मेडिकल स्टोर, तो यहाँ से लेते हैं बच्चों के लिए सिरप। सिटी में शिफ्ट हुए ना, तो ये एक ठंडा इलाका है कराची की निस्बत, तो इस वजह से बच्चों की ना यहाँ हेल्थ थोड़ी सी वो हो रही है, हर टाइम इनको सॉक्स, गर्म कपड़े तो मैं पहनाए रखती हूँ, लेकिन फिर भी आए तैयबा की ना खांसी नहीं जा रही। मुस्तफ़ा ठीक है, आए तो तैयबा की खांसी नहीं जा रही। इनकी टीचर ने एक सिरप बताया कि ये वाला ले लो, ये अच्छा है, ये पिला कर देखो, तो अब ये वाला भी ट्राई करके देखते हैं। वही मिली है? वो नहीं मिली, सेम, यानी कि नाम का थोड़ा सा फर्क है, तो चलो ये भी पिला के देखते हैं। देखो हम पहुंचे हैं आयत की फेवरेट मॉल अपना मेकअप लेने के लिए। चलो जैसे ही हम अंदर मॉल में जाकर पहुंचे, सबसे पहले तो मुझे ये दूर से ही दिखा, बहुत प्यारा लग रहा था, क्यूट था, छोटा सा, और इसको मैंने इस वजह से लिया कि इसमें मेरा सारा मेकअप आ जाएगा, सेफ रहेगा, ट्रैवल करती हूँ इधर उधर जाओ तो चीज़ें फैलेंगी नहीं। उसके अलावा उस पर 25% ऑफ भी था, इस वजह से अच्छा लगा। और साथ में अम्मी के लिए मैंने जूते
आइडिया नहीं था इतना कि अम्मी जल्दी जाएंगी, तो इस वजह से थोड़ा मैंने ये था कि हाँ हम एक साथ जाएंगे तो बाद में जूते ले लूँगी, लेकिन एकदम से अम्मी की तैयारी बनी, साइज़ मुझे पता था और फिर अम्मी के जूते लिए। उसके बाद फिर मैं लेने गई अपना मेकअप। मेकअप में सबसे पहले मैंने ये बेबी क्रीम ली। बेबी क्रीम ये होता है कि लाइट भी होती है और स्किन इतना ख़राब नहीं करती फाउंडेशन की निस्बत। फाउंडेशन हम डेली नहीं लगा सकते, इसको तो खैर ये लगा सकते हैं और हैवी नहीं होता ज़्यादा, लाइट होता है। बस ये सब देख रही थी और उसके बाद फिर मैंने फाउंडेशन भी लिया था, मस्कारा, काजल, सब कुछ मैंने एक ही जगह मैबलिन से ही लिया। और ये देखो ये काजल भी यहाँ से लिए। इसके अलावा मैंने कुछ टेस्ट किए अलग अलग कलर मेबलिन के। मैं ज़्यादा, मेरा जो फेवरेट शेड था ना मुसरत मिसबा का रेड कलर का, जब मैं सैलून में जॉब किया करती थी तब वो मैं बहुत लगाया करती थी, वो मुझे यहाँ पे कहीं दिखा नहीं। मेबलिन फिर कलर मैंने सारे चेक किए। वैसे मुसरत मिसबा का जो एक रेड है ना बहुत खूबसूरत है, मैंने उस पर वीडियोज़ भी बनाई थी और जब मैं सैलून जॉब करती थी ना वो मैं डेली लगाती थी। एक तो हमारा यूनिफॉर्म होता था ब्लैक और उसके साथ रेड लिपस्टिक लगाना तो बहुत अच्छा लगता था। तो खैर आज भी मैंने दो चार कलर लिए, अलग अलग ट्राई कर रही थी, देख रही थी और वीडियो में चेक कर रही थी कि कौन सा ज़्यादा प्यारा लग रहा है। कुछ मैंने लाइट लिए, कुछ डार्क लिए, जो भी लिए सारा घर चल के आपको दिखाऊंगी। और बस यही कुछ शेड अच्छे लगते हैं नेचुरल, बिल्कुल प्यारे से। तो ये वाला बहुत बेस्ट कलर है, ये लीजिए। मेरी रानी, मेरा राजा, रानी राजा सारे आ गए। आप लोग कब से शॉपिंग कर रहे थे? हाँ देख लिए। हाँ देख, हाँ तुम मेरे प्लेन पे आयो? किस पे आयो? प्लेन, प्लेन, हाँ एरोप्लेन पे आई। चलो मेरा राजा कैसा है? बहुत अच्छा हूँ। आपके लिए बहुत प्यारे शूज लाई हूँ। कैसी हैं? अम्मी मैं आपके लिए जूते ले आई हूँ, जल्दी से पहन कर चेक करें। जूते देखो आपको पसंद है? मुझे लेते हुए अपनी चीजों पे इतना डर नहीं लगा जितना आज तुम्हारे शूज पे लगा है। सही लगा था, डर नहीं है। मुझे ये था कि ना इसको पसंद नहीं आएंगे। नहीं आए पसंद? अम्मी जूते सही आ गए? अम्मी खड़ी हो जाए, मैंने देखा है सॉफ्ट थे अंदर से, मैंने फिर वही लिए। हाँ लेग तो अम्मी अच्छे रहे यहाँ पर। नहीं ले रहे आप? नो। नहीं ले रहे? क्यों नहीं ले रहे? टिकट का तो पूछा नहीं है? हाँ होगी। सारी चीजें दिखा दिखा कर ना अम्मी ने टिकट का। हाँ होगी। अम्मी टिकट आपकी मिल ही नहीं रही? नहीं मिल रही। नहीं मिल रही। मैंने तो साजिद कल साजिद बोल रहा था कि कल मिल जाएगी, नहीं मिली। नहीं मिली। चलो ठीक है, जब मिलेगी तो। हाँ टिकट हो गई। हो गई। मजाक कर। पता है आपको अम्मा जा रही है, अब टिकट हो गई अम्मा की। अब नहीं है, अम्मा के साथ सोती थी। हाँ। अब बस आप क्या कहते हो, अम्मा को जाना चाहिए? किधर? नहीं बिल्कुल भी नहीं, जिधर भी जा रही है नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए? जिधर भी जा रही है। पूछा नहीं कि जा कहाँ रही है, कहाँ जा रही है? गांव जा रही है। अम्मा जाए? नहीं, हमारे साथ जाए। बस अम्मी कहते नहीं जाओ, मेरा दिल भी नहीं करता, क्या करूँ बस। अम्मा जा रही है गाँव, विलेज जा रही है अम्मा। अम्मा की टिकट भी हो गई। क्या आप जाओगी अम्मा के साथ? अम्मा किसी को नहीं, अम्मा अकेली जा रही है, गांव जा रही है। अम्मा को जाना चाहिए? हाँ, तो ये देखो मैंने दो लिए, एक मैंने अपने लिए ये वाला बैग लिया, तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे मैं घर आई हूँ ना, सबसे पहले मैंने लिपस्टिक ही टेस्ट किए कि कलर देखूं, या हाथ पे लगाने से थोड़ा अलग लगता है और लिप्स पे लगा के देखो तो फिर वो ज्यादा पता चलता है कि फेस पे कैसा लग रहा है कलर। आप बताना, ये थोड़ा ऑरेंज जैसा शेड आ रहा है इसमें, ऑरेंज लिपस्टिक है। ऐसे दिखाओ। हाँ ये ऑरेंज इसके साथ जा रहा है, थोड़ा सा मतलब डार्क हो रहा है, इसे मैच हो रहा है। आज मैंने अपना सारा मेकअप जो है ना मेबलिन का लिया, तो ये देखो ये मेबलिन का काजल है। बता देती हूं कि आप कौन से डार्क वाली लिपस्टिक? ये वाला। देखिए विंटर में शादियों का सीजन है, किसी को भी ऐसा डार्क रेड कलर का प्यारा खूबसूरत रेड कलर का शेड चाहिए लिपस्टिक का, तो मेबलिन में ये 15 नंबर इसका शेड है, तो आप ये वाला ले सकते हो। और हाँ ये मैंने लिया है सेटिंग स्प्रे, इससे हमारी जो फाउंडेशन जो हमारा मेकअप होगा बेस होगा वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। नहीं मेकअप जैसे पूरा कर लेंगे ना तो पूरा ऐसे फेस पे स्प्रे कर लेंगे, तो उससे हमारा जो मेकअप है वो देर तक टिकेगा, खराब नहीं होगा। ये बहुत लाइट है, जैसे डेली यूज के लिए हम ये फाउंडेशन नहीं यूज कर सकते। स्किन को भी मॉइस्चराइज करेगा, विटामिन है इसमें देखो, प्लस SPF है। हाँ तो मैंने आज देखो ये ग्लास की बोतल में अपनी फाउंडेशन लिए। आज मैंने दो फाउंडेशन इस वजह से लिए, एक तो मेरी स्किन से मैच होता है वो, जो मैं छोटा मोटा फंक्शन जैसे मतलब इतना हैवी मेकअप जब नहीं करना होगा तब मैं एक फाउंडेशन यूज करूंगी जो मेरी स्किन से मैच होता है, और जहाँ कहीं ऐसा हैवी मेकअप करने वाला
फंक्शन होता है, ऐसा कोई सीन होता है, तब दो फाउंडेशन मिक्स करूंगी, एक मेरी स्किन का कलर और एक उसमें थोड़ा सा लाइट कलर हम मिक्स करेंगे तो बेस बहुत अच्छी बनती है। और इसके अलावा मैंने लिया है कंसीलर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे हम ट्रेवल करते हैं, हम गांव जाते हैं तो मेरे छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं जिसमें मैं मेकअप लेके जाती हूँ, मुझे काफी अच्छा लग रहा था। एक ये भी मैंने लिया, खोलो। और ये जो मेरा ऊपर मेकअप पड़ा था ना, सारा मिक्स करके उसका हशर देखो क्या किया, सब कुछ ले आइए। और ये देखो, ये वाला स्पेशली हैवी मेकअप का। और ये देखो, नेल कट करके मैं आ गई हूँ, मुझे इतनी उलझन हो रही थी, इतने लंबे नेल्स, और काम में बिजी रहती हूँ तो बस भूल जाता है कि हाँ अभी कट करती हूँ, अभी कट करती हूँ, वरना मुझे ना शौक सच में नहीं है लंबे नेल्स का। और मैं आपको ये वाला बैग दिखा रही थी, इसमें आयत ने सारा मेकअप मेरा पूरा भर दिया, जो मेरा पुराना ऊपर मेकअप पड़ा था ना वो सारा इसमें भर के लेके आइए। और देखो कुछ गिरा भी दिया, जिसकी वजह से ना इसमें निशान भी पड़ गए। और ये स्पेशली है भी मेकअप का ही बॉक्स, देखो रेड कलर में, जैसे हम ब्राइड को भी गिफ्ट कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कोई और कलर है तो वो ले लूं, लेकिन नहीं, बस ये लास्ट पीस ही बचा था। इसमें डिजाइन में थोड़ा सा ये बड़ा साइज का है, ये यहाँ पे रख के देखो, थोड़ा सा ये बड़े साइज का है। इन दोनों में से देखो, एक मैं सोच रही हूँ ये वाला ज्वेलरी और बैंगल्स का बना दूं, और ये छोटा है तो इसमें जो है ना मेकअप सही से फिक्स आएगा। दिखाने थे मुझे आपको ये वाले जूते। अम्मी कैसे लगे आपको मेरे ये वाले जूते? पहनती हो तो बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं अम्मी। ये जो मैं कोट लाई हूँ उसके साथ भी ये बहुत प्यारे लगेंगे। और ऐसा मैंने लिया था कहाँ पे, वो जब हम नारायण में, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं था, ये मैंने आज अच्छा वाला लिया। मुझे चाहिए था ब्लैक, वहां पे उनको बोला भी कि मुझे ब्लैक दो, उन्होंने ना फिर हमें गलती से ब्राउन डाल दिए। सब मुझे कमेंट में बताना ये अच्छा है। मुस्तफा तो अपना चेंज करवा रहा, कहता है मुझे नहीं चाहिए वो, उसके चेंज कराने जाऊंगी तो आप बताना ये अच्छा है तो ये रख लूँ, वरना ब्लैक लेकर आऊँ। पहने हुए ना इसका लुक सच में बहुत अच्छा आता है। बस बस बस, बना लिया कैट। क्या लग गया निशान? नहीं, हमें कुछ भी नहीं लगा, ऐसे ही बंद था। और इसके अलावा इनका हल भी ढूंढते हैं, कल इंशाल्लाह इसका हल मैं ढूंढती हूँ। अम्मी इतने मुझे ये जो कपड़े यहाँ पर हम डालते हैं, इतने मुझे डेली कमेंट आते हैं इन कपड़ों के लिए। चलो आए तो ऊपर चले, चलो। हाँ, तो इसी के साथ आज का व्लॉग मैं इधर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, बहुत अच्छा लगा, चैनल सब्सक्राइब कर देना। और क्या बोलूँ, मिलते हैं बस नेक्स्ट व्लॉग में, फिर कल की बातें इंशाल्लाह कल करेंगे। तो बस यही कुछ बातें, और बस यही कुछ बातें थी कि अम्मी की तैयारी अभी शुरू हो गई, और बस यही कुछ बातें थी। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग। यही कुछ आज का हमारा व्लॉग था, और मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।